नमस्कार, मैं हूं नीतू सिंह और आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। रामनवमी पर आप सभी ग्रेटर जम्मू वर्चुअल देखने वाले दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस समय हम हैं कैनाल रोड पर, जहां आप देख सकते हैं कि यहां पर जो लोग हैं आज सांख विसर्जन करने के लिए आ रहे हैं। रामनवमी है और रामनवमी पर लोग जो हैं आज सांख विसर्जन करने के लिए यहां कैनाल नहर पर आए हैं। और माता रानी, जहां माता रानी 9 दिन तक माता रानी की पूजा की जाती है, पूजा करने के बाद आज के दिन रामनवमी के दिन माता की सांख को जल में प्रवाहित किया जाता है। यहां पर वॉलंटियर जो हैं अपना काम कर रहे हैं, सांख विसर्जन करने में लोगों की मदद कर रहे हैं। सांख विसर्जित करें लेकिन पॉलिथिन या उसमें रखी चीज़ें जैसे चुनरी, ये सब चीज़ें जो हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है। सिर्फ सांख ही जो है वो नहर में प्रवाहित करने की अनुमति दी जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वॉलंटियर लगातार कल भी और आज भी यहाँ पर काम कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि नहर में सिर्फ सांख ही विसर्जन की जाए, चुनिया या जो प्लास्टिक है उसे बाहर पहले ही ले लिया जाता है। यहाँ पर डस्टबिन्स लगे हैं जहाँ पर फूल, पत्ते, पॉलिथिन बैग्स, नारियल, ये सब चीज़ें जो डिकम्पोज नहीं होती पानी में, जो उसको पहले से ही बाहर निकाल दिया जाता है इन वॉलंटियर्स द्वारा, और सिर्फ सांख को जी है, सांख ही है उसको विसर्जन करने के लिए अंदर जाने की अनुमति दी जाती है। जैसे कि आज रामनवमी का पर्व है और जो ये नवरात्रे होते हैं भारतवर्ष में, इन नवरात्रों का बहुत महत्व है। 9 दिन तक माता की पूजा की जाती है। 9 दिन पूजा करने के बाद आज लोग अष्टमी या नौवी के दिन सांख को विसर्जित करते हैं पानी में। अर्जुन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सांख विसर्जन करने से पहले ही यहाँ से पॉलिथिन बैग्स लिए जा रहे हैं ताकि लोग जो है पानी को दूषित ना कर सके। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग जो है सांख विसर्जन करने के लिए आए हुए हैं। आज रामनवमी है और आज के दिन भारी मन के साथ विसर्जन करने के लिए माता का यहाँ पर आए हैं, लेकिन अंदर एक खुशी भी है कि फिर 6 महीने के बाद नवरात्रे आएंगे और माता की जो पूजा है वो बड़ी धूमधाम से की जाएगी, सांख जो है घर पे लगाई जाएगी और फिर 9 दिन तक माता की पूजा करने के बाद सांख विसर्जन की जाएगी यहाँ पर। लेकिन वहीं हम आपको यहाँ पर बता दें कि कैनाल रोड की दूसरी तरफ यहाँ पर पॉलिथिन बैग्स हैं, जहाँ प्रशासन की तरफ एक अपील की जा रही है कि पॉलिथिन बैग्स को ना फेंका जाए। सूर्यपुत्री तवी को लेकर जहाँ पर अपील की गई थी कि इस बार जो है सूर्यपुत्री तवी में आप पॉलिथिन बैग्स ना फेंके, सिर्फ सूर्यपुत्री तवी में ही नहीं, कैनाल रोड है, कैनाल राजेंद्र कैनाल है और रिवर्स हैं, किसी में भी आप पॉलिथिन बैग्स ना फेंकें। लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि लापरवाही जो है अभी भी बढ़ती जा रही है। अवेयरनेस तो आई है लेकिन कहीं ना कहीं आज भी देखा जा रहा है कि आपको अगर हम बताएं तो यहाँ पर इस समय जो ये कैनाल का हाल है, आप देख सकते हैं कि बड़े सारे पॉलिथिन्स लोग अभी भी फेंक रहे हैं, जहाँ प्रशासन की तरफ से एक और ये अवेयरनेस की बात की गई थी कि नदी, नहर या कैनाल्स में पॉलिथीन को ना फेंका जाए, ना डाला जाए, क्योंकि ये जो है वातावरण को, पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। लेकिन फिर भी देखने को नज़र आ रहा है कि पॉलिथीन बैग्स अभी भी नहरों में डाले जा रहे हैं, जहां प्रशासन एक तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, लोगों के आगे अपील कर रहा है कि नदी नहरों को दूषित ना किया जाए, वहीं हमारा एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते एक फ़र्ज बनता है कि प्रशासन की अपील को सीरियसली ले और जो नदी, जो हमारे वाटर बॉडीज़ हैं उनको हम गंदा ना करें। आस्था एक तरफ, लेकिन अगर इसी तरह से हम लोग इन कैनाल्स को, इन नदियों को, इन नहरों को गंदा करेंगे तो इसका इफेक्ट आज नहीं लेकिन कल जो आने वाली पीढ़ी है उसको इसका भुगतान करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि अपील करने के बाद भी नहरों में
प्लास्टिक बैग्स जो हैं वो डाले जा रहे हैं। ये प्लास्टिक बैग जो हैं आगे वहाँ पर बैरियर में जाकर इकट्ठा हो जाएंगे, आगे वहाँ पर जाके बैरियर में इकट्ठा हो जाएंगे। और वहीं यहाँ हम बता दें कि प्रशासन द्वारा वहाँ पर एक दो या तीन अधिकार लगाने चाहिए थे कर्मचारी जो प्लास्टिक को वहाँ से इकट्ठा करते, लेकिन ये अलग ही जो स्वरूप है इस टाइम कनाल का देखने को नजर आ रहा है। अपील करने के बाद भी प्लास्टिक बैग जो हैं तैरते हुए नजर आ रहे हैं। सांख विसर्जन के लिए आए हुए लोग वॉलंटियर्स द्वारा यहाँ पर अंदर प्लास्टिक बैग्स को ले जाने के लिए रोका जा रहा है। यहाँ वॉलंटियर्स लगे हुए हैं जो सांख विसर्जन करने के जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उन पर पूरी नज़र रखी जा रही है कि वो प्लास्टिक या पॉलीथिन बैग्स जो है वो ना लेकर जाएं। और वहीं आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पॉलीथिन बैग्स को निकालने के लिए लगाया हुआ है कर्मचारी को कि जो कोई भी अगर गलती से प्लास्टिक बैग डाल भी देता है तो जहाँ तक वो पहुँच सकते हैं वहाँ तक उन प्लास्टिक बैग्स को निकाला जा रहा है। लेकिन वहीं आप दूसरी तरफ कैनाल का दूसरी तरफ देखें तो वहाँ पर प्लास्टिक और जो कचरा है वो नहर में लगातार लोग बराबर डाल रहे हैं। एक तरफ प्रशासन की अपील और दूसरी तरफ से हम नागरिकों की ये लापरवाही। आप कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या इस तरह की लापरवाही हमारे जो पर्यावरण है उसको दूषित करेंगे। जानने की कोशिश करते हैं इन वॉलंटियर से भी कि अपुग हैं वो यहाँ पर पॉलिथीन बैग्स लगातार फेंक रहे हैं। भैया आपसे जानने की कोशिश करेंगे, आपकी अपील करने के, जहाँ प्रशासन भी एक तरफ से अपील कर रही है, आप वॉलंटियर्स भी नजर रखे हुए हैं कि कोई पॉलिथीन यहाँ पर ना फेंके, फिर भी मैं देख रही हूँ कि लगातार यहाँ पर पॉलिथीन देखने को नजर आ रहे हैं। मैं तो सबसे पहले रामनवमी की शुभकामना दूंगा सबको। बट मैम हम यहाँ से लगातार पिछले 3 सालों से काम कर रहे हैं, बट अभी हम जो देख रहे हैं काफी फर्क लोगों में आया है। बट फिर भी कुछ जो पीपल्स हैं हम उनको पॉइंट नहीं कर सकते कि वो कौन है कितने हैं, बट बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो यहाँ पे डंप नहीं कर रहे हैं, पीछे जाकर डंप कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट इनिशिएटिव ये होगा कि इस जगह पे या कुछ ऐसा कुछ लगाया जाएगा, बैरिकेड लगाया जाएगा, जिससे हम यहीं पे इसको रोक के यहीं पे इसको सेग्रीगेट कर देंगे, आगे ना जाए, क्योंकि लोग इसको अभी नहीं समझ रहे हैं। बट फ्यूचर में अगर इसका काज बहुत ज़्यादा है, चुनिया प्लास्टिक की यूज़ हो रही है, हम सिर्फ माता को यहाँ पे कह रहे हैं कि जो यहाँ पे भरवा सकते हो, बट लोग फिर भी नहीं मान रहे, वो नीचे जाके कह रहे हैं हम यहाँ पे नहीं डालेंगे, फिर भी डाल रहे हैं। तो हम यही अपील करेंगे कि प्लीज़ मत करें ऐसा अगर आपको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, क्योंकि रिसोर्सेज दिन ब दिन खत्म होते जा रहे हैं, तो नेचुरल रिसोर्स हमें बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एज अ यूथ हम इनिशिएटिव ले रहे हैं और हमारे साथ अब बहुत सारी NGOs लिंक हैं, कॉलेजेस लिंक हैं, तो उनको भी हम थैंक यू कहना चाहेंगे। ग्लोबल वार्मिंग का बहुत ही बड़ा खतरा बना हुआ है पूरे विश्व में, वहीं इस तरह से प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल, जहां प्रशासन कह भी रही है कि प्लास्टिक बैग को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये हमारे पर्यावरण को काफ़ी दूषित करता है, उसके बावजूद भी लोगों का ऐसा रवैया कैसा है? फील तो बहुत बुरा होता है, बट हम यहाँ पे भी यही कर रहे हैं, जिनके पास प्लास्टिक बैग्स लेके आ रहे हैं उन कपड़ों का बैग दे रहे हैं जो हमारे पास पड़े हुए हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि जो लोग घर पे नहीं लेके जा रहे हैं प्लास्टिक बैग हम उनसे ले रहे हैं और उनको कपड़ों का बैग दे रहे हैं, और यही अवेयर कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कपड़े का बैग यूज़ करें। अगर दूध लेने जा रहे हैं कुछ चीज़ें जो प्लास्टिक बैग में आप कपड़े के बैग में कैरी नहीं कर सकते, घर से बर्तन ले लीजिए, तो उससे ज़्यादा बेटर रहेगा। इनसे भी जानना चाहेंगे, आज ये सांख प्रवाहित करने के लिए आए हैं, आपका नाम? मेरा नाम हंसराज अग्रवाल है। कहाँ से आए? मैं ये किनाल रोड पर हूँ। तो मेरा इनकी जो मुहिम है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छा लगा है। पर ये ऐसे आम पब्लिक को एक एक आदमी को कंट्रोल से नहीं होगा। जो पॉलिथीन है ये जिसका जो मैन्युफैक्चरिंग है, जब तक वो फैक्ट्री गवर्नमेंट नहीं बंद करेंगी, हैं, जब तक तो लोगों के पास आना ही आना है। आप कोई सामान लेने चले जाओ पॉलिथीन में देते हैं, और ना ही घर से कोई थैला लेके जाता है, क्योंकि जब तक लोग अपना कैरी बैग नहीं लेके जाएंगे, जहाँ पॉलिथीन बिल्कुल फैक्ट्री में बंद नहीं होंगे जब तक इसको। प्रशासन द्वारा ये अपील भी की जा रही है कि पॉलिथीन बैग्स ना लेकर जाएं, आप कपड़े या कागज का बैग? सही है, हम तो ले जाएंगे कपड़े का बैग, इमरजेंसी होती है कहीं सामान लेना पड़ता है, पर पॉलिथीन मिलता तो लेते हैं ना, पब्लिक का कसूर नहीं है इसमें, गवर्नमेंट का कसूर है।
सरकार का कसूर, सरकार पॉल्यूशन की फैक्ट्री क्यों नहीं बंद कर देती, उनका कोई और रोजगार करें, वो और रोजगार उनका बंद होता है। हाँ जी कर दिए, बहुत अच्छा लगा, आप भी जो न्यूज ले रहे हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर इससे पब्लिक में पूरा मैसेज आएगा कि अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पर मैं कहता हूँ गवर्नमेंट पूरा इसको सहयोग करे, पीछे जड़ खत्म करे, पत्ते तोड़ने से क्या फायदा। थैंक यू मैडम। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पर सांख विसर्जन करने के लिए जो लोग यहाँ पर आए हैं, आज सांख विसर्जन कर रहे हैं और माता से यही दुआ कर रहे हैं कि अगली बार भी जब माता रानी नवरात्रों पर आए तो इसी तरह से ठंडे झूले उनको दे। वहीं वॉलंटियर्स का लगातार यहाँ पर कहना है कि हम लोग तो पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो प्लास्टिक बैग्स को नदी नहरों में फेंकने से नहीं मुड़ रहे। कोशिश 3 साल से ये लोग कर रहे हैं लेकिन लोगों में काफ़ी बदलाव आया है और आगे भी ये बदलाव आएगा। आगे भी इस तरह से जो अभी कुछ लोग हैं जो प्लास्टिक बैग्स को अभी भी फेंक रहे हैं, आने वाले समय में ये लोग भी हैं, ये लोग भी बदल जाएंगे, बदलाव वाकई में आएगा। और जिस तरह से यहाँ पर कैनाल्स वगैरह में आपको पॉलीथिन दिख रहे हैं, एक समय ज़रूर आएगा जहाँ जब इस तरह से पॉलीथिन्स को नहीं फेंका जाएगा क्योंकि पॉलीथिन जो है ये डीकम्पोज होने में कई साल लगा देते हैं, कई हज़ारों साल लग जाते हैं इनको डीकम्पोज होने में और पर्यावरण को दूषित करते हैं, स्पेशली वाटर बॉडीज़ पर इनका काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को नज़र आता है। आने वाले समय में ये प्लास्टिक बैग्स जो हैं हमारे लिए कितनी बड़ी समस्या खड़ी कर सकते हैं, इसके लिए वॉलंटियर्स लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं। आज राम नवमी का पर्व है और राम नवमी पर लोग जो हैं यहाँ पर सांख विसर्जन करने के लिए आए हैं। तो आपने देखा यहाँ पर आज सांख विसर्जन की जा रही है। इसी के साथ हमारे ग्रेटर जम्मू वर्चुअल की तरफ से हम आपको राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और जहाँ प्रशासन ने भी अपील की थी हमारे चैनल के माध्यम से भी आपको अपील करते हैं कि आज राम नवमी है और सांख प्रवाहित करें लेकिन पॉलीथिन जो है उनको उसका इस्तेमाल ज़रूर करें लेकिन वाटर बॉडीज में उन्हें ना फेंकें, वाटर बॉडीज में ना फेंकें। तो ग्रेटर जम्मू वर्चुअल की तरफ से आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल हर बार हम लोग नवरात्रे इसी तरह धूमधाम से मनाएं लेकिन पोल्यूशन को ना कहें। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। कैमरामैन